निष्ठा जागृत हो जाएगी। नवरंगी सखी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अब वृंदावन के बिना रहा नहीं जाता, कृपा करके धाम वास करा दो। मुझे लगता है कि वृंदावन की प्रीति करके और वृंदावन के ऊपर छोड़ दे, वो सर्व सामर्थ्यशाली है, धाम नाम रूप लीला अंदर की बात वो बहुत जानते हैं, प्रभु सबके हृदय की बात जानते हैं। वृंदावन की प्रीति करना हमारा कर्तव्य है और आगे की बात उनका है, क्योंकि हमारा बस तो है नहीं। अब आकाश पकड़ना चाहे तो हम हाथ अपना इतना ही तो उठा सकते हैं ना, अब आकाश आके हमारे हाथ में बैठ जाए, उसकी कृपा हमारी पहुंचने की, हम आकाश तक पहुंच जाए। ऐसे ही वृंदावन दिव्य चिदानंद भगवान का धाम है, हमारी कहाँ सामर्थ्य है, तो हम क्या करें, हम आश्रय लेते हैं, प्रेम करते हैं वृंदावन से। अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, पास तो उनकी तरफ से होगा, वो जब पास कर देंगे सब बन जाए, जब तक पास ना करें तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उनका भजन, उनका चिंतन, उनका आश्रय वो बराबर है, धाम वास और वो बराबर है। जब वो चाहे बस करवा ले, नहीं तो जहाँ रखे ता रहो मान सुख रास है, आप जहाँ रखो मैं आपके हूँ, अब आपका ही चिंतन करूँगा, आपके ही आश्रित रहूँगा, जहाँ रखो जैसे रखो आप, हमें ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना, हमें चिंतन पर जोर देना है। वृंदावन में भी रहकर भजन ना हुआ, चिंतन ना हुआ तो काम समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ का खेल समझ में नहीं आएगा, वही दिखाई देगा नश्वर संसार के सब खेल, लगेगा यार धाम है पर यहाँ भी सब हो रहा है, ये कोने पे ठेका है सर आपका, जब हम आते हैं ना लिखा है देसी शराब अंग्रेजी शराब, ये कोने में वृंदावन के प्रवेश द्वार पर ही देखो माया का खेल देखो, जबकि ऐसा होना चाहिए कि वृत चौरासी कोष में या भक्ष्य पदार्थ सब नहीं होने चाहिए, ये परम धाम है, लेकिन प्रगट में देखो ना कोने पे लिखा है क्या है ये, आपको सब दृश्य दिखाई देने लगे क्या है ये, तो आप नहीं समझ पाओगे धाम क्या है। धाम का आश्रय भजन, जैसे जल है निर्मल है ऊपर फेन बुदबुदा है, फेन बुदबुदा देख करके अगर घृणा करोगे तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, निर्मल जल है नीचे, फेन बुदबुदा हटाओ ऐसे देखो निर्मल जल है, प्यास बुझ जाएगी। ऐसे फेन बुदबुदा माया का द्वारा फैलाया गया है, अगर आपके अंदर भजन नहीं तो आप धाम को नहीं जान पाओगे। ऊपर फेन बुदबुदा जैसे नहीं होता पानी के काई फेन आदि, हमें लगता है पानी ठीक नहीं, पानी बिल्कुल निर्मल और स्वादिष्ट है, ऊपर वो ढका हुआ है, आप ऐसे हटाओ भजन के द्वारा माया कृति गुणों का प्रभाव हटाई, फिर चिदानंद अब भी इसी क्षण प्रिया प्रीतम लीला कर रहे, प्रिया प्रीतम का घर है, प्रिया प्रीतम वास कर रहे। पर बाहरी दृष्टि होने पर आप देख लो, घूम के देख लो, आप बाहरी दृष्टि से कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि चिंतन से खुलती है। जितना वाणी गायन करोगी, नाम जप करोगी, धाम का अंदर से आश्रय लोगी, अंतर्दृष्टि खुल जाए ना तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर से आप वृंदावन को देख सकते हैं, ऐसे सामने कोई भी दीवार, कोई भी शहर, कोई भी वृक्ष, कोई भी आपका पर्दा नहीं बनेगा, सीधे ऐसे ऐसे देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि खुलने पर बहुत दूर से बैठे बैठे वृंदावन को देख सकते हैं, सामने कुछ और नहीं आएगा, केवल वृंदावन दिखाई देगा। यह है भजन, यह उपासना, उपासना और भजन। मांग करनी चाहिए, अंदर से मांग करो, वो चुप रहो, वो सब कुछ जानते हैं, वो जिस समय चाहेंगे वैसा विधान बना देंगे, हमारा काम है मांगना, हम मांगते रहेंगे।